कल मैंने एक वेब सीरीज देखी Zee5 में, जिसका नाम है फोन अ फ्रेंड। ये एक साइंस फिक्शन बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी है एंड आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ रिव्यू बट इट्स जस्ट माय ओपिनियन कि मेरी राय के हिसाब से कैसा लगा मुझे और आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। तो अगर आपको मेरी राय में इंटरेस्ट है तो बने रहिए इसी वीडियो में। सो हे वेलकम बैक गाइस अ न्यू वीडियो। Zee5 की ये वेब सीरीज है पहली बात तो ये कॉमेडी रोमांटिक एंड साइंस फिक्शन बेस्ड कॉम्बिनेशन है। एक चीज मैं पहले कहना चाहूंगा कि इस सीरीज के लिए आई वोंट रिकमेंड यू टू बाय द Zee5 सब्सक्रिप्शन, बट स्टिल अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है तो आप देख सकते हो। डेफिनेटली नॉट अ बैड आइडिया, यू वोंट रिग्रेट इट। मतलब सीरीज रोमांटिक है, आई होप कि आपको पता होगा कि रोमांटिक सीरीज कैसी होती है, हमारे यहाँ पे रोमांटिक मूवीज कैसी होती है, बट साथ ही साथ कॉमेडी भी है तो आपको मजा आएगा। फिर साइंस फिक्शन बेस्ड कॉमेडी है तो मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ गाय जो कि 27 साल का एक कॉलेज में प्रोफेसर है बेसिकली। ही इज एन इंट्रोवर्ट गाय, उसने अपनी लाइफ में बेसिकली कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ भी नहीं किया, नॉट इवन सेक्स। वो बंदा अपनी लाइफ से परेशान है, काइंड ऑफ नहीं कहेंगे परेशान बट स्टिल ही इज नॉट हैप्पी। एक दिन ऑल ऑफ अ सडन उसका फोन उससे बात करने लगता है। पहले तो वो परेशान होता है बट स्लोली ही लर्न्स उसका फोन जो है बेसिकली बात कर सकता है, इट्स कॉन्शियस, सब कुछ समझ सकता है, सारी चीजें हैक कर सकता है। तो फोन के साथ उसका कॉन्वर्सेशन होता है, फिर जो फोन है वो उसकी लाइफ को ईजी बनाता है धीरे धीरे धीरे। उसके जो बचपन के प्यार को ढूंढता है उसका फोन, कैसे ना कैसे ट्रिक्स लगा के अपनी टैक्टिक्स साइंस फिक्शन बेस है, सो वैसा कुछ दिखा करके। और फोन जो है उसकी गर्लफ्रेंड मिलाता है, उसको डेट करवाता है, फिर There is love, but then story के बीच में ऐसा कुछ होता है कि उसका फोन में जो है फीलिंग्स आ जाती है, उसका फोन खुद जो है सेम गाय उसी की आवाज से उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने लगता है। धीरे 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 उसकी गर्लफ्रेंड को पता नहीं लगता, उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि भाई सेम बंदे हैं, बट फोन को लगता है कि उसको प्यार हो गया है उस बंदी के साथ। एंड देन धीरे धीरे उसके बीच में ब्रेकअप हो जाता है फोन और आपस में, बट स्टिल things get okay और all of a sudden last में सब ठीक हो जाता है। Meanwhile there is this thing, ये जो introvert बंदा है, I don't remember the name, I forgot it, कल ही देखा था बट मैंने इतना हल्के में देखा था कि याद भी नहीं character का नाम। The thing is कि this guy is an introvert but उसके पास talent है, he has an ability to entertain others, लोगों को हंसा सकता है। वो क्या करता था कि इन सभी चीजों के videos बना के अपने phone में store करता था, but एक दिन होता है कि उसका फोन कॉन्शियस, तो उसका फोन जो है पब्लिश कर देता है इन वीडियोस को और लोगों को पसंद आता है, सो ही बिकम्स फेमस। और बस फिर धीरे 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 लोगों के सामने आ जाता है उसका टैलेंट, ही कैन एंटरटेन, और फिर एट द एंड ही बिकम्स अ स्टैंडअप कॉमेडियन। सो दैट्स द थिंग कि एक बंदा जो है फोन की मदद से ऐसे चलता है और बीच में सो सारे सिचुएशन है जो भी, वहाँ पे काफी सारे जोक्स हैं, आपको मजा आएगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि यू विल लव दिस सीरीज बट If you like comedy, if you want to laugh, then you can watch. उतनी ज्यादा नहीं है, हर जगह नहीं आएगी बट काफी सारी जगह पे आपको हंसी आएगी। रोमांटिक कॉमेडी है, साइंस फिक्शन बेस्ड है, थोड़ा सा यूनिक है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ क्योंकि अ फोन कैन टॉक, फोन अ फ्रेंड जैसा कि नाम है, अ फोन कैन टॉक, तो वो चीज ही अट्रैक्ट करती है लोगों को, दैट्स द काइंड ऑफ थिंग। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपके पास Zee5 है तो डेफिनेटली देखिए। अदरवाइज क्वारंटाइन का दिन है, आप देख सकते हो, पक्की बात है, टॉरेंट तो कर ही सकते हो। That's it. अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो हिट द लाइक बटन। अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो रिएक्शन बेस्ड ऐसी कुछ वीडियोस तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। That's it. हेलो हेलो वरुण, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कौन? गेस हू? सुबह सुबह कौन गेम खेल रहा भाई? मैं तुम्हारा फोन बोल रहा हूँ। Mm-hmm.